हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, लेके आ गया हूं मैं नेवी MRSSR और AA के लिए एक बार फिर से GS रैपिड फायर का एक और पार्ट, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे अप्रॉक्स 5 मिनट्स में। और इसमें से कितने सवाल आपके सही होते हैं वो लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सारे सवाल जो है ये पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि MRSSR और AA में साइंस के सवाल काफ़ी अच्छे मात्रा में आते, तो अगर आप इन सवालों को कर लोगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में। तो शुरू करेंगे वीडियो को, उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हमें 176 से शुरू करना था। क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक क्यों दौड़ता है? व्हाई डज ए रनर रन सम डिस्टेंस बिफोर मेकिंग ए लॉन्ग जंप? छलांग लगाते समय वो फिसलता नहीं। ही डज नॉट स्लाइड वाइल जंपिंग। दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है। रनिंग मेक्स इट ईजी टू जंप। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक करने में मदद करती है। द इनर्टिया ऑफ हिज बॉडी वाइल जंपिंग हेल्प्स हिम टू कवर मोर डिस्टेंस। और ऑप्शन डी है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। दिस मेक्स हिज बॉडी वार्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। द इनर्टिया ऑफ हिज बॉडी वाइल जंपिंग हेल्प्स हिम टू कवर मोर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ दिखाई देगा? इफ़ ए मैन इज कमिंग टुवार्ड्स द फ्लैट मिरर एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर सेकेंड, देन एट वाट स्पीड विल द इमेज ऑफ मैन अपेयर इन द मिरर? 7 मीटर सेकेंड, 5 मीटर सेकेंड, 9 मीटर सेकेंड और 8 मीटर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 8 मीटर सेकेंड। अगर कोई मनुष्य है वो आ रहा है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकेंड की चाल से, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 8 मीटर की चाल से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? इफ़ ए गर्ल इज स्विंगिंग अनदर गर्ल कम्स टू सिट नियर हर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्विंग पीरियड? घट जाएगा पहले, घटेगा फिर बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा बढ़ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी घट जाएगा, विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाइयों की समस्त इकाइयों में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विच यूनिट्स हैव द सेम क्वांटिटी इन ऑल यूनिट्स? घनत्व यानी डेंसिटी, विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दबाव यानी प्रेशर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त इकाइयों में ये विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा जो है समान होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट्स हैव द सेम क्वांटिटी इन ऑल यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर? बल यानी फोर्स, कार्य वर्क, ऊर्जा एनर्जी, गतिज ऊर्जा, डायनामिक एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बल, जो फोर्स है उसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो इसका परिणाम होगा? इफ टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मास आर ड्रॉप टूगेदर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, बोथ स्टोन्स रीच द ग्राउंड टूगेदर। पत्थर की रचना पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। बड़ा पत्थर पहले पहुंचता है, बिग स्टोन रीच फर्स्ट, और छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, स्मॉल स्टोन रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगर भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के ऊपर शिखर से एक साथ गिराया जाए तो इसका परिणाम सेम होगा, यानी दोनों साथ ही पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? विच मिरर इज नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट इन कार्स, ट्रक्स एंड बसेज?
उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कोई नहीं यानी नन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर इज नेक्स्ट टू द ड्राइवर सीट इन कार्स, ट्रक्स एंड बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह की आकृति करता है? व्हाट शेप डज ए बबल ऑफ एयर इन वाटर? एक समतल प्लेट, ए फ्लैट प्लेट, एक अवतल लेंस, एक कॉनकेव लेंस, एक उत्तल लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक समतल लेंस, ए प्लेन लेंस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक अवतल लेंस जो है पानी के अंदर हवा का बुलबुला आकृति बनाता है एक अवतल लेंस की तरह, ठीक है। ए बबल ऑफ एयर इन वाटर शेप लाइक ए कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथमतः सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? फर्स्टली विच स्कॉलर इज क्रेडिटेड विद प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम टू द वर्ल्ड? कैपलर, कॉपरनिकस, गैलीलियो और स्ट्रैबो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉपरनिकस को दिया जाता है ये, कि उन्होंने ही सबसे पहले सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की थी। और लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? विच इज द फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी मूव्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ? संवेग, मोमेंटम, द्रव्यमान, मास, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और आवेग बल, इम्पल्सिव फोर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी जो है उसके कारण ही कोई भी पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन आज के GS रैपिड फायर के। आई होप कि आपको पसंद आया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ये है इंस्टाग्राम आईडी, ये है टेलीग्राम आईडी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे भी कंफर्टेबल फील हो जाके ज्वाइन जरूर कर लेना। और साथ ही साथ जो GS रैपिड फायर के और भी क्वेश्चन है, और भी पार्ट्स है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।